हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसी चल रही है पढ़ाई? आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, समटाइम्स टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसको अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई प्रॉमिस आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। गर्मी बहुत है बट आग लगा देंगे। एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए, वीडियो को आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बार में देखना तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और हां, पेन कॉपी लेके बैठना। फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक का प्रॉब्लम क्या है? सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्वेश्चन में रफ भी हो सकता है, क्वेश्चन में स्मूथ भी गिवन हो सकता है। इसके ऊपर हमने रखा एक ब्लॉक और इसके ऊपर रखा एक और ब्लॉक। इसका मास सपोज एम वन है, इसका मास है एम टू। यहां एम वन और एम टू के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू वन, और एम टू और ग्राउंड के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू टू। हम यहां जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको आप घर पर आराम से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। आप घर पे जहां पे भी बैठे हैं, टेबल पे, जमीन पे, आपके अगल बगल किताबें होंगी, रजिस्टर्स होंगे, आप एक रजिस्टर लो उसके ऊपर दूसरा रजिस्टर रख लो, या एक बुक लो उसके ऊपर दूसरी बुक को रख के मैं जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। सबसे पहले केस में क्या हो सकता है, नीचे वाले ब्लॉक पे अभी हम एक फोर्स लगाने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। किस वाले ब्लॉक पे? नीचे वाले ब्लॉक पे। सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि आप इस पर फोर्स लगाएं और ये पूरा सिस्टम चले ही ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज एक भारी भरकम ब्लॉक है, लोहे का बना हुआ है, उसके ऊपर आपने एक ईंट का या पत्थर का टुकड़ा रखा और नीचे वाले ब्लॉक पे आपने एक हल्का सा फोर्स लगाया, तो क्या वो सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। तो पहला केस क्या हो सकता है कि फोर्स लगाने पर यह पूरा सिस्टम चले ही ना। दूसरे केस में क्या हो सकता है? अब देखिए, इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि एक ब्लॉक है उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है M1, इसका मास है M2, फोर्स हम यहां लगा रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे। तीसरे केस में ये भी हो सकता है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा हो और नीचे वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा हो। बट ये सारा जो केस है इसको अगले किसी वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना कहां होना चाहिए? इस वाले केस में, जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होगा, कुछ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहां गिवन होगा, कुछ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहां गिवन होगा, या फिर परफेक्टली स्मूथ होगा, यानी म्यू टू की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, या फिर म्यू टू की वैल्यू जीरो गिवन होगी। और फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे वाले ब्लॉक पे। अब इसमें कितनी कंडीशंस बनती हैं, इसके एक एक लेयर को हमें ध्यान से समझना है। तो ये जो भी कंडीशन है इसको आगे की किसी वीडियो में देख लेंगे। इसको भी हटाओ, फिलहाल हटाओ इसे। अब इसमें सबसे पहला केस आपने क्या समझा कि फोर्स लगाने पे ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि ये पूरा सिस्टम चले ही ना। तो फोर्स लगाने पे पूरा सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है, कितना फोर्स लगाने पे एटलीस्ट इसमें मोशन शुरू होगा, वो सब भी देखेंगे। पहले केस को समझते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि फोर्स लगाने पे ये सिस्टम चले ही ना। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो फोर्स की वैल्यू जब आप इंक्रीज करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इनमें मोशन शुरू हो जाएगा। बट मोशन शुरू होने में भी M2 और M1 अभी आप देखेंगे कि दोनों एक साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। फिर फोर्स की वैल्यू अगर आप थोड़ा थोड़ा और बढ़ाओगे तो आप देखोगे अभी भी M1 और M2 दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। इट मींस दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। अगर इसके एक्सेलरेशन को आप A1 लिखते हो, इसके एक्सेलरेशन को अगर आप A2 लिखते हो, तो A1 इज इक्वल्स टू होगा क्या? A2। और A1 इज इक्वल्स टू A2 होने का मतलब M1 और M2 यानी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक साथ में चिपक के एक दूसरे के साथ चलेगा। फिर अगर फोर्स की वैल्यू हम और बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब M2 और M1 में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। M2 यानी नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम रह जाएगा। देखने में कुछ इस तरीके से होगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, यानी कुछ इस तरीके की चीज होगी। फिर से देखिए, इस तरीके की चीज होगी, ये A2 ज्यादा होगा और A1 कम होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में
जब हम इसे देखेंगे तो ये वाला ब्लॉक भी आगे और ये नीचे वाला ब्लॉक भी आगे ही एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। दोनों ब्लॉक जाएंगे आगे बट दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा, यानी दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारे केसेस इनमें बन सकते हैं, इसको आप यहां भी देख सकते हैं। यहां देखिए, सपोज आपने एक रजिस्टर लिया, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया, हल्का फोर्स लगा रहे हैं तो ये चल ही नहीं रहा है। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हल्का फोर्स लगाएं तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। थोड़ा फोर्स और बढ़ाया, अभी भी दोनों साथ चल रहे हैं। बट अगर फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आप कर देंगे तो फिर आप देखिए ये वाला ब्लॉक पीछे रह गया और ये वाला ब्लॉक आगे निकल गया, यानी दोनों के जो एक्सेलरेशन हैं वो डिफरेंट हो गया। तो पहले वाले केस में क्या पूछा जा सकता है कि भाई फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि कम से कम इनमें मोशन शुरू हो। दूसरे कंडीशन में क्या पूछा जा सकता है कि फोर्स की आप वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अगर फोर्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, अभी दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, बट फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, यानी दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। उसके बाद अगर आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो तो फिर इन दोनों के एक्सेलरेशंस अलग अलग हो जाएंगे और दोनों में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो केस नंबर टू में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फोर्स की या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की आप वैल्यू बताओ जहां तक कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। तीसरे कंडीशन में जब फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी और इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, यानी नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग बताओ कैलकुलेट करके, नीचे वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन अलग कैलकुलेट करके बताओ, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है फ्रिक्शन की भी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ। कई सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। अब इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहें, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सपोज ये 20 kg है, इसके ऊपर हमने रख दिया 10 kg का ब्लॉक, यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2, यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.1 या फिर 0, और नीचे फोर्स लगाया जाए सपोज 10 N का। आपसे पूछा जाए बताओ क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा, अगर चलेगा तो क्या दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। अगर साथ चलेंगे तो भी इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को कैलकुलेट करके बताओ, और अगर ये अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग बताओ और नीचे वाले का एक्सेलरेशन अलग बताओ, और साथ ही साथ दोनों के बीच लगने वाले फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट करके बताओ। ये पूछा जा सकता है। हो सकता है 10 N की जगह यहां पे क्या कर दिया जाए, 50 N। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल गया। और फिर आपसे यही पूछा सकता है क्या दोनों साथ चलेंगे, साथ चलेंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन बताओ। अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग कैलकुलेट करके बताओ, नीचे वाले का एक्सेलरेशन अलग कैलकुलेट करके बताओ। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, मेरा वर्ड पर मिनट ज्यादा है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, बट आई होप आपको सुनने में भी अच्छा लगता होगा और समझ में भी आता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में भी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये मेरा स्टाइल नहीं है। हम इसमें एक जनरल केस लेते हैं और उसमें जो भी फिजिक्स इन्वॉल्व होगी, फ्रिक्शन के एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक सुपर फॉर्मूला निकाल के आपको देंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिना किसी पेन की मदद से। अगर आप अलग अलग वीडियोस को देखें अलग अलग टीचर्स की, तो आई होप वो कैसे सॉल्व करते होंगे। पहले आपको ले जाएंगे उस वाले ब्लॉक के पास जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, वहां से वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू को नीचे वाले ब्लॉक में यानी जिसमें फोर्स लग रहा है उसमें ले जाके रखेंगे, और फिर मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसमें काफी टाइम खत्म हो जाता है। तो मैं वैसे नहीं बता रहा आपको, मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, और एक फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद बहुत ही मजा आएगा आपको। आप किसी अरे गहरे की वीडियो थोड़े ना देख रहे हैं, ये डबल एस। तो अब चलते हैं पहले कंडीशन में और लेते हैं सीधे जनरल केस। जनरल केस क्या है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं m2। यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। फोर्स हम लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे,
अच्छा अगर फोर्स ना लगाएं, आपसे कहें कि यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बना लोगे? M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, सिंस रेस्ट स्टेट में है दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। इसका भी FBD बना लोगे? ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हम लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब हमने क्या किया, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, और मैंने आपको क्या बताया था कि पहले कंडीशन में क्या हो सकता है कि फोर्स लगाने पे ये चले ही ना, तो हमें ये एनालाइज करना है कि फोर्स लगाने पे क्यों नहीं चल रहा है और एटलीस्ट हमें कितना फोर्स लगाना होगा जिससे कि इस वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मोशन करना, स्लाइड करना शुरू करे। सोचो जरा, क्या यहां इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है या नहीं है, रफनेस है या नहीं है? बिल्कुल है, तभी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 गिवन है। मैंने बताया था फ्रिक्शन की चार कंडीशंस होती हैं, तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है। पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि न सिर्फ दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए बल्कि उनके बीच में प्रेसिंग नेचर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन भी लगना चाहिए। तीसरा कंडीशन रफनेस भी होना चाहिए। और चौथा कंडीशन या तो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो इस वाले ब्लॉक में, इस वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में आगे जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी। तो पीछे क्या लगेगा, पीछे लगेगा यहां पे FS, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, FS की वैल्यू और बढ़ गई, फोर्स बढ़ाया, FS और बढ़ गया, क्योंकि FS सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, ये अपने आप को बढ़ा घटा सकता है। फोर्स की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दो कि पीछे FS बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए, FS मैक्स तक। फोर्स आपने क्या किया, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि पीछे FS बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, FS मैक्स तक। बताओ, अच्छा एटलीस्ट हमें इससे ज्यादा ही फोर्स लगाना होगा तो ही ये ब्लॉक इस वाले सरफेस पे एटलीस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। तो ऐसा नहीं कि फोर्स की कोई भी वैल्यू आप लगा देंगे और ये जो ब्लॉक्स है वो आगे एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। पिछला फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम है और आप उसमें केस नंबर 1, केस नंबर 2 या आप इक्वेशंस बनाए पड़े हो, ऐसा नहीं। पहले समझो तो सही इसमें क्या हो रहा है। फोर्स की वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, FS मैक्स से बड़ी होनी चाहिए, तब ये ब्लॉक इस सरफेस पे चलना शुरू होगा, फिर केस नंबर 2 और केस नंबर 3 बनेगा। यहां पे अगर हम आपसे पूछे नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि FS मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ही चाहिए, कहां का नॉर्मल रिएक्शन, इस M2 और इस ग्राउंड वाले सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सिंस अभी FS मैक्स लग रहा है, इट मींस बॉडी इज अबाउट टू मूव, चलने ही वाली, अभी चल नहीं रही है, चल नहीं रही है, तो M1 और M2 का आप ऐसे कंबाइंड FBD भी बना सकते हैं। इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, ये आएगा M1 प्लस M2, सो वेट बनेगा M1 प्लस M2 G वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन आप N2 या NG ले लो, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऊपर की तरफ। यहां से FS मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, FS मैक्स की वैल्यू होगी म्यू, म्यू कौन सा लेंगे, म्यू 1 की म्यू 2, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है तो यहां पर का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमें लेना होगा। म्यू 2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू G। सो क्या चीज सीखा हमने, फॉर मोशन टू स्टार्ट जो एक्सटर्नल फोर्स है F मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 M1 प्लस M2 इंटू G। या आप ये भी लिख सकते हो कि F मस्ट बी ग्रेटर देन, पहले FS मैक्स लिख लेना फिर उसके नीचे लिखना कि F मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 M1 प्लस M2 इंटू G। इतना फोर्स हमें चाहिए ही चाहिए इस ब्लॉक को या इस पूरे सिस्टम को इस सरफेस पे स्लाइड करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए। पहला कंडीशन क्लियर हुआ, नोट करो इसको, कर लिया नोट। अब इस वाले केस से भी आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, अब ऑलरेडी फोर्स की जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से एक्सीड कर चुकी है, यानी अब ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस पे स्लाइड करना शुरू करेंगे। फिर भी आप देखेंगे कि अभी शुरू में अगर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चिपक के चलेंगे, यानी दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। अब अगर मैं यहां आपसे क्वेश्चन करूं कि ये बताओ आप कि फोर्स तो हम लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे, तो ठीक है इसमें एक्सेलरेशन है ये तो समझ में आता है, बट ये ऊपर वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन फिजिक्स की दुनिया में एक इफेक्ट होता है, हालांकि वो कॉज भी बन जाता है, बट अगर हम एक्सेलरेशन को एक इफेक्ट के रूप में लें तो उसका जो कॉज है, उसका जो रूट कॉज है वो होता है फोर्स। बिना फोर्स लगाए आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर ये वाला ब्लॉक भी, अगर ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, कब, जब फोर्स की वैल्यू अभी रिलेटिवली कम है। तो अगर ये वाला भी ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है तो इसको ये एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो पक्का है इस पे भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है अब उसको समझते हैं। फिर फोर्स की वैल्यू अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाएं तो अभी हम देखेंगे अभी भी ये दोनों साथ चल रहे हैं, बट फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी जिससे अगर फोर्स और ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तब ये दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, नीचे वाला ब्लॉक तेजी से आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो दोनों ब्लॉक आपको आगे की तरफ ही जाते हुए, दोनों ब्लॉक आपको आगे की तरफ ही एक्सेलरेट करते हुए नजर आएंगे, बट दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी निकालेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि ये जो M1 वाला ब्लॉक है इसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो अगर इस M1 का हम FBD बनाएं, क्या बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे कैसे इस पे फोर्स लगेंगे, एक लगेगा M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इसको ले लेते हैं N1 वर्टिकली अपवर्ड, बट ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ये फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं दे सकता। इनफैक्ट ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, यानी N1 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा M1G, बट यहां पे दोनों सरफेसेस कैसे हैं, रफ हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है कितना, μ1, तो यहां पे लगेगा फ्रिक्शन। अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में नीचे वाले ब्लॉक में राइट साइड जाने की टेंडेंसी होगी, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर लेफ्ट साइड में इंटरलॉकिंग के कारण, जैसे ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक में ऐसे इंटरलॉकिंग हुई, आपने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको बोलेगा ए किधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। बाय दिस ऑन दिस जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। फिर फ्रिक्शन फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, अगर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो नीचे वाले ब्लॉक द्वारा ऊपर वाले ब्लॉक पे, यानी सॉरी यहां फ्रिक्शन लगेगा, और इस फ्रिक्शन में अगर आपसे पूछेंगे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा स्टैटिक, क्योंकि M1 और M2 साथ चल रहे हैं, अभी भी इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। रिलेटिव स्लाइडिंग समझते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खैनी बनाते हैं, सुरती ऐसे मलते रहते हैं, देसी एग्जांपल से समझते हैं, यूपी बिहार में आपने लोगों को देखा होगा कि सुरती बनाते रहते हैं इस तरह से। तो यहां क्या हो रहा है, अंगूठे का इस हथेली के साथ ऐसे रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, तो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है इसलिए इसके द्वारा इस पे या इसके द्वारा इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यानी कि FS। तो फोर्स लगा, यही फोर्स दे रहा है इसको क्या, एक्सिलरेशन। सोचो जरा, अगर ये फोर्स की वैल्यू अभी कम होगी तो एक्सिलरेशन भी कम होगा, तो एक्सिलरेशन अगर कम होगा तो फोर्स भी कम चाहिए होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना फोर्स दे देगा कि ये एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, यानी दोनों ब्लॉक साथ में आराम से चल पाए। अब अगर इस फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाएं, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो नो डाउट एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी, फोर्स की अगर वैल्यू हम बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इस वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, भाई फोर्स बढ़ेगा तभी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इस फोर्स को अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, बट हम सभी लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही पहुंच सकता है, कहां तक, FS मैक्स तक। बताओ अच्छा, ये इस वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इतनी आपने बढ़ा दी कि यहां पे FS बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, FS मैक्स तक पहुंच गया। यही फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जहां तक ये दोनों ब्लॉक साथ सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। अब अगर आप फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे
तो फिर अब यहां तो FS Max लगी चुका है, अब ये दोनों ब्लॉक साथ नहीं चल सकते, अब ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में उनमें रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, फिर FS Max नहीं लगेगा, फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? FS Max के बाद अगर कंडीशन एक्सीड कर जाती है, फ्रिक्शन फोर्स FS Max से भी ज्यादा लगने लगता है, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, तब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। वो केस नंबर 3 है, उसको अभी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है, पहला ये क्लियर हो गया आपको कि अगर ये भी एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमने इस वाले फोर्स को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा तो FS भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर हम फोर्स बढ़ाते चले जाएं तो FS बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच सकता है? FS Max तक। यही पर्टिकुलर फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक आप इन दोनों ब्लॉक्स को साथ में इकट्ठा खींच सकते हैं, यानी दोनों ब्लॉक साथ में चिपक कर एक साथ एक्सेलरेट हो सकते हैं। फोर्स की वैल्यू अगर उससे ज्यादा एक्सीड करी तो फिर इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। एक तरीका है ये समझने का, एक मैं और तरीके से आपको बताता हूं जिससे कि आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा होगा। ये है हमारा ब्लॉक M2, ये है हमारा ब्लॉक M1। अभी हमने यहां पे जो भी एनालिसिस करी वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम करा। यहां से हमने देखा कि यार ये वाला ब्लॉक जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक भी इसके साथ जा रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसको फोर्स भी चाहिए। एनालाइज किया तो समझ में आया कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अगर हम इस वाले फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो पक्का फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच सकता है? FS Max तक। तो फोर्स की वही मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलेंगे। कब? जब यहां पे क्या लग रहा होगा? FS Max। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसा समझेंगे? यहां हमने लगाया एक फोर्स, अब ये चलना शुरू हुआ, फोर्स की वैल्यू अभी अपेक्षाकृत कम है बट उतनी भी कम नहीं है जितना केस नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, उससे ज्यादा है। अब आप क्या करो, सपोज ये ऐसे ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, अब आप चले जाओ यहां पे M2 ब्लॉक के सरफेस पे खड़े हो जाओ। अब अगर आप यहां से M1 वाले ब्लॉक को देखोगे, और हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और फोर्स के हम वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं जहां तक कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलेंगे, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इट मींस अगर हम यहां खड़े होकर इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो हमारे रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक रेस्ट स्टेट में होगा। ये बात समझ में आ रही है? ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो दोनों चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस वाले ब्लॉक पे बैठ के इस वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक कैसे स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में होगा। अब अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो क्या होगा? एक लगेगा M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, और अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? नॉन इनर्शियल। तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ इसमें एक और फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? जिसको देखेंगे उसका मास, और जहां से देखेंगे वहां का एक्सेलरेशन। जहां से देख रहे हैं वहां का एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो इस पे सूडो फोर्स लगना शुरू हुआ M1A। बट हमारे रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में है तो पक्का इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स कैंसिल करेगा। कौन सा फोर्स कैंसिल करेगा? FS, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर इस फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो इधर FS भी बढ़ेगा। इस वाले फोर्स को बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दो कि M1A बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि इधर FS बढ़ते बढ़ते FS Max तक पहुंच जाए। तो FS जब बढ़ते बढ़ते FS Max तक पहुंच जाएगा तो एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, या फिर फोर्स वो वाला मैक्सिमम फोर्स होगा जहां तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। अगर फोर्स की वैल्यू या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हुई, किस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हुई? जब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया है? FS Max तक। उसके बाद फिर क्या होगा? इन दोनों में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। उस केस को देखेंगे अभी बाद में, अभी फिलहाल आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि हाँ अगर हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इधर FS बढ़ते बढ़ते FS कुछ देर बाद Max तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम फोर्स बढ़ाएंगे तो FS Max से आगे क्या होगा? फिर रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और लगने लगेगा FK, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से केस कि कब ऐसा होगा? फोर्स की उस मैक्सिमम वैल्यू पे एक्चुअली में क्या होगा? जब दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या होगा? ऊपर वाले ब्लॉक पे बढ़ते बढ़ते FS कहां तक पहुंच जाएगा? FS Max तक। अब इसमें हमें इस A Max की और F Max की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको कैलकुलेशन समझाते हैं और यहीं से हमारा निकलेगा एक मास्टर फॉर्मूला। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद
आप YouTube के किसी भी वीडियो को देख लेना, किसी भी चैनल के किसी भी टीचर की वीडियो को देख लेना, और आप देखना कि मेरा जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है या उनका जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। और ऑनलाइन पढ़ाने में, YouTube पे इस तरह से वीडियो बना के डालने में, पता नहीं मेरी ऑडियंस कहाँ है, कब कौन किस टाइम पे मेरी वीडियो को देखता है, पता नहीं चलता, ऑनलाइन में ही लोचा लफड़ा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेथड देखो, अप्लाई करो, अगर क्वेश्चंस बन जाए तो थोड़ा कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपका जो मेथड है वो काफ़ी अच्छा था और हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ और अब न्यूमेरिकल्स लगाने में हमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, केस नंबर टू में। केस नंबर टू में अब हमें मैक्सिमम फोर्स और साथ ही साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फोर्स कौन सा लग रहा है, ये कोई ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, ये एफ मैक्स है। और अभी हमने समझा था कि एफ मैक्स अगर लगेगा तो इस एम वन पे क्या लगेगा, इस एम वन पे लगेगा यहां पे एफ एस मैक्स। कोई डाउट नहीं है इसमें, यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था म्यू वन, यहां कितना था म्यू टू। यहां इसकी कुछ खास खास बातें लिख दें। खास खास बातें क्या है कि अगर एफ एस बढ़ते बढ़ते एफ एस मैक्स तक पहुंच जाएगा तो एफ भी बढ़ते बढ़ते एफ मैक्स तक पहुंचेगा, मतलब फोर्स की ये वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक कि दोनों एक साथ चलेंगे, चिपक के चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। यानी इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए नंबर वन बोथ ब्लॉक will move together without relative sliding, ठीक। fs की वैल्यू कौन सी लग रही है, fs max। तो corresponding force की जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। मान लेते हैं साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है A। ये एक्सेलरेशन भी कौन सा एक्सेलरेशन होगा, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जहां तक कि दोनों साथ में चल सकते हैं। अब इसका अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा इसका, FBD M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, यहां लगा FS max, एक्सेलरेशन कितना है A max, और तो कोई फोर्सेस में नहीं लगेगा। अब इसमें लगाएंगे F is equals to MA, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, FS max, मास m1, एक्सेलरेशन a max, fs max की वैल्यू कितनी होगी, म्यू वन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी m1 g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a max। m1 से m1 हुआ कैंसिल, यहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई म्यू वन जी। M1 कट रहा है, कट के भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे के जा रहे हैं, क्या ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो ऊपर वाले ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में रफनेस पे। आपको नहीं लगता कि अगर ये रफनेस बहुत कम कर दिया जाए, मतलब बहुत ऑलमोस्ट चिकना कर दिया जाए सरफेस को, तो हल्का सा ही फोर्स लगाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा और ये नीचे से सरक के आगे चला जाएगा, होगा ना ऐसा। और यहाँ रफनेस अगर बहुत जबरदस्त होगी तो काफी अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों ब्लॉक में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं रफनेस ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर रफनेस की वैल्यू कम होगी तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी कम होगी, जहां के बाद दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ए मैक्स अब हमने निकाल लिया, ए मैक्स के बाद हमारा जो मेन फोकस है वो है क्या निकालने पे, एफ मैक्स निकालने पे। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स किस वाले ब्लॉक पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे, तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए किसका एफबीडी बनाना चाहिए, नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाना चाहिए। क्यों भाई, तो नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनेगा, एम टू में लगा एम टू जी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बाई द ग्राउंड ऊपर की तरफ, इसको एम टू लिख लेते हैं। एक फोर्स लगा इधर, अब ये फोर्स कोई ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिस फोर्स तक के लिए ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसकी वजह से इस पे एफ एस मैक्स इस डायरेक्शन में लगा था, तो इसकी वजह से इस पे जो एफ एस मैक्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। एफ एस मैक्स उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, म्यू वन इंटू एम वन इंटू जी, तो यहां लिख भी देते हैं ये वैल्यू कितनी है, म्यू वन एम वन जी। साथ ही साथ अब इसमें
एक फोर्स और लगेगा, यहां पे एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन भी बना लेते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया एन वन, एम टू के खोपड़ी पे एम वन रखा है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी मिलेगा इसको, तो एक एम टू जी हो गया, एक यहां नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक यहां नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक फोर्स अभी इस पे और लगेगा, वो होगा ये वाला सरफेस भी तो रफ है, इस वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक अब स्लाइड कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, अरे लोल कहीं के, यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये लगेगा एफ के, और एफ के की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती, सेम वैल्यू होती है, वो क्या होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स अलग अलग गिवन नहीं होते, एक ही वैल्यू गिवन होती है, हमें वही लेनी होती है। इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा लेंगे, इस वाले ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एन टू, ये हुआ इसका एफबीटी, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन वही है ए मैक्सिमम के दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अगर इसमें हम इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखें तो हम लिखेंगे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स एन टू इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एन वन प्लस एम टू जी, और एन वन की वैल्यू कितनी है एम वन जी के इक्वल, तो यहां से एन टू की वैल्यू हो गई एम वन जी प्लस एम टू जी। अब ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूं, अच्छे से एक चीज नोट करते रहना। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है एफनेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, क्या लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ नेट क्या लिखेंगे, ये वाला फोर्स एफ मैक्स माइनस, पीछे की तरफ दो दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है एफ एस मैक्स, कहां लग रहा था ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पे, प्लस एक फोर्स ये भी लग रहा है एफ के, ये किसकी वजह से लग रहा है ग्राउंड सरफेस द्वारा एम टू वाले ब्लॉक पे, इज इक्वल्स टू मास एम टू इनटू एक्सेलरेशन ए मैक्स, ए मैक्स की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी निकाली थी वो मैंने मिटा दी, आई होप आपने लिखी होगी, वह आया था म्यू वन इनटू जी के इक्वल। अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करके एफ मैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ी सी बस मेहनत, रुको जरा सबर करो। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस मैक्स की वैल्यू है म्यू वन एम वन जी प्लस एफ के की वैल्यू कितनी है म्यू टू एन टू एन टू एन टू एन टू ये रहा एम वन जी प्लस एम टू जी। इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं, हम इसका काम नहीं है, बना लेना इसको, इसको मिटा देते हैं, इज इक्वल्स टू एम टू इन टू ए मैक्स, ए मैक्स की वैल्यू थी म्यू वन जी, कोई डाउट नहीं है इसमें, एफ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे ब्रैकेट वाले पोर्शन को भेजेंगे उधर, उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा म्यू वन एम वन जी प्लस म्यू टू एम वन जी प्लस एम टू जी और प्लस यहां म्यू वन एम टू जी। एफ मैक्स इज इक्वल्स टू इस वाले में से और इस वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, म्यू वन कॉमन है तो अगर म्यू वन कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, बचेगा एम वन जी और प्लस एम टू जी, जी भी कॉमन ले लेंगे अभी, प्लस यहाँ क्या था म्यू टू, यहाँ भी एम वन जी और प्लस एम टू जी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, अब बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला है, अगर इसमें से हम जी भी कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा म्यू वन प्लस म्यू टू एम वन जी प्लस एम टू जी, ये वाला ब्रैकेट वाला चीज जब आप कॉमन लेंगे, चलिए पहले लिख देते हैं आराम से M1G प्लस M2G कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा म्यू वन प्लस म्यू टू, फाइनली F मैक्स की वैल्यू हमें मिलेगी M1 प्लस M2 म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू जी। क्या ये फॉर्मूला याद करना टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, दोनों के मास को ऐड किया, दोनों की रफनेस को ऐड किया, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू जनरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होती है, ये फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, फोर्स की वैल्यू जैसे ही एक्सीड करेगी फिर ये वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन अलग होगा कम होगा, इस वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन अलग होगा ज्यादा होगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, ये है फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों के मास को ऐड किया, दोनों की रफनेस को ऐड किया, मल्टीप्लाइड बाई जी। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवा के देखता हूं,
करवा के बताता हूँ आपको, और देखिए कैसे क्वेश्चन बस लिखा जाएगा, आप तुरंत बता देंगे कि हाँ इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको अभी फिलहाल सिर्फ ये बताना है किस फोर्स की वैल्यू के लिए क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। उसके बाद अगर साथ में चलेंगे तो क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो भी देखेंगे, और अगर साथ में नहीं चलेंगे रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे। मैंने कहा था कि पेन कॉपी यूज नहीं करना है, बिना पेन के ही मेरे पढ़ाने के बाद उस फॉर्मूले से आप इसको आराम से बता सकते हैं कि ये साथ में मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहां पे हम इस केस में ये 20 केजी का ब्लॉक है, 10 केजी का ब्लॉक है, यहां कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, यहां फ्रिक्शन अभी नहीं है, नीचे वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ 25 न्यूटन का। हो सकता है बहुत ज्यादा हो, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही हो, हो सकता है ये बहुत कम हो, हो सकता है ये इतना कम हो कि ये चले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट वो वाली पॉसिबिलिटी यहां नहीं होगी क्योंकि ये वाला सरफेस कैसा है, परफेक्टली स्मूथ है, तो हल्का सा भी फोर्स लगा हुआ तो चलेगा तो जरूर, बस हमें ये देखना है कि इस फोर्स के लिए साथ चलेंगे या साथ नहीं चलेंगे। तो क्या करना है, एफ मैक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए दूसरे टीजर्स आपको बताएंगे, पहले यहां आ जाओ, वहां का एक्सेलरेशन निकालो, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करो, यहां से वैल्यू निकालो, वहां घुसेड़ो, ये सब काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, एफ मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। मैंने क्या बताया था, दोनों मासेस को जोड़ दो, 20 और 10 30 केजी, दोनों के इस फ्रिक्शन के कोफिशियंट को जोड़ दो, 0.1 प्लस 0 आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी जी की वैल्यू। तो 0.1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, और 1 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, यानी फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक हम फोर्स लगा सकते हैं जब तक ये दोनों साथ चलेंगे वो कितनी है 30 न्यूटन, और यहां फोर्स कितना लग रहा है मात्र 25 न्यूटन, यानी आराम से यहां दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। यहां पहला नंबर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाए तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। दूसरा, साथ में चलने का मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तीसरा, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, एफएस होगा, एफएस मैक्स नहीं, एफएस मैक्स तो तब लगेगा जब 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, अभी लगने वाला फोर्स 30 न्यूटन से कम है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो भी एफएस मैक्स से कम होगा, यानी सिंपल वाला स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यानी इसमें क्या हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, दोनों साथ में चलेंगे। फिर से देखो यही क्वेश्चन है, बट अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 50 न्यूटन है। अभी हम लोगों ने एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट किया था, 0.1 प्लस 0 0.1 मल्टीप्लाइड बाई जी यानी 10 1, और दोनों का मास का सम जो होगा 20 प्लस 10 यानी 30, 30 न्यूटन का आया था हमारा एफ मैक्स। अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन से ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, उसका एक्सेलरेशन A1 लेना होगा, इसका एक्सेलरेशन A2 लेना होगा, वो भी सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा धीरज रखो, रुको जरा, सबर करो, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम होगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, करेंगे अभी सॉल्व। इस वाले में कैलकुलेट करके बताओ, 20 और 5 25, 0.1 और 0.2 0.3 मल्टीप्लाइड बाई जी यानी 10 यानी 3 हो गया, और 25 यानी 75, 75 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स लग सकता है जब तक ये दोनों साथ में चलेंगे। अभी फोर्स कितना लग रहा है, 75 से कम है, यानी दोनों आराम से साथ में चलेंगे। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन, सिंपल वाला, बस एक न्यूटन और बढ़ जाए तो यहाँ एफएस मैक्स लगने लगेगा, वही फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही वो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक ये दोनों साथ चलेंगे, समझ गए। फिर यही क्वेश्चन है, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, अभी हम लोगों ने कितना मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट किया था, 75 न्यूटन, अभी कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा लग रहा है 100 न्यूटन का, इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, A1 A2 इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो ये अब आप ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा तो टीचर्स आपके सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले ब्लॉक में जाओ, वहां से एक्सेलरेशन निकालो, फिर इस वाले ब्लॉक में रखो, आप तुरंत देखते हुए ही बता दोगे कि अरे सर इस वाले में दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। टीचर भी परेशान कह रहे, स्टूडेंट इतना तेज कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे बता दे रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, एक एक स्टेप ऐसे ही समझते चलेंगे, एक एक लेयर समझते चलेंगे। अब सोचो जरा इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, जब आपने ये डिसाइड कर लिया फोर्स को देखते ही कि ये दोनों साथ चलेंगे, तो पूछा जाएगा कि भाई इन दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, नंबर वन। दूसरी चीज पूछी जाएगी कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि कौन सा फ्रिक्शन था, सिंपल वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू बताओ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इनको मान लिया जाए एक कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम मानेंगे तो मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 केजी,
फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कहाँ गया, अरे लोल कहेंगे फ्रिक्शन हो गया इंटरनल फोर्स। मैंने अब बीटी पढ़ाते समय बताया था ना कि अगर कंबाइंड सिस्टम हम मानेंगे दोनों ब्लॉक को, तो दोनों के ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस तरह का फोर्स हो जाता है, इंटरनल, और फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को ही ड्रॉ करते हैं। तो ये जो FS है वो कहानी उसकी खत्म, सीधे ये फोर्स लगा, ये इतना मास है, क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये कितना हो जाएगा 5/6 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया एक्सेलरेशन। अब पूछा जाएगा कि इसमें फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन बताने के लिए अब थोड़ा सा ऊपर वाले ब्लॉक को अलग से कंसिडर करते हैं, 10 kg था, ये था 20 kg। ऊपर वाले ब्लॉक को अगर हम देखें, यहां पे बनाए ध्यान से देखना, 10 केजी वाला ब्लॉक है। अब हमें मालूम चल गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो एबीडी है उसमें 10g का फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n1 लगेगा ऊपर। मैं आपसे कहूं कि ये एक्सेलरेशन उसको कौन सा फोर्स दे रहा है, तो अभी हम लोगों ने एनालाइज किया था कि इस पे लगता है FS। अगर ये 30 न्यूटन होता तब यहाँ FS मैक्स लगता, 30 न्यूटन से यह फोर्स कम है तो ये फोर्स भी FS मैक्स से कम हो गया, यानी सिंपल वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यही फोर्स इसको ये वाला एक्सेलरेशन दे रहा है। तो सिंपल फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास है 10 kg, एक्सेलरेशन है 5/6, यह आ जाएगा 50/6 यानी कि 25/3 न्यूटन, ये हुआ हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू। यही दो चीज आपसे इस तरह के क्वेश्चन में पूछी जाएगी, कंबाइंड एक्सेलरेशन पूछा जाएगा जो बहुत ही आसान है निकालना, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी जो वंस अगेन बहुत ही आसान है निकालना। बट ये आसान कब होगा, जब आपको पता होगा कि इस फोर्स के लिए दोनों साथ में चलेंगे भी या नहीं। तो ये क्वेश्चन कर लोगे अब, वेरी गुड, इस क्वेश्चन को करो, करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, पहले हमने निकाला था एफ मैक्स, कैसे निकाला था, इन दोनों को जोड़ा 25, 0.1 प्लस 0.2 0.3 मल्टीप्लाइड बाय जी यानी 10 यानी 3 हो गया, 25 नहीं 75, 75 न्यूटन तक के मैक्सिमम फोर्स के लिए ये दोनों साथ में चल सकते हैं। अभी फोर्स कितना लग रहा है, कम है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, साथ में चिपक के चलेंगे, बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कौन सा मास लेंगे, टोटल मास, टोटल मास कितना है 25 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगर इस पे FS की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, ये FS ही आपको ये वाला एक्सेलरेशन दे रहा है, तो FS इज इक्वल्स टू हो गया मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 74/25 इतना न्यूटन। सब गुणा भाग कैलकुलेशन कर लेना, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें जो फोर्स लगाया जा रहा है वो F max से ज्यादा हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरा फॉर्मूला लगाओगे और कैलकुलेट करोगे एफ मैक्स की वैल्यू। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 30, 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10, 1, 30 इंटू 1, 30 न्यूटन। अभी जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन से ज़्यादा है, पक्का है इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, यानी अब इसका एक्सेलरेशन होगा अलग A1 और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा A2। अब हमें इसका एक्सेलरेशन पूछा जाएगा अलग कैलकुलेट करके बताओ और इसका एक्सेलरेशन पूछा जाएगा अलग कैलकुलेट करके बताओ। सोचो जरा, ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये वाला ब्लॉक जाएगा तो ये भी आगे, ये भी जाएगा आगे, बट दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अलग है। सपोज नीचे वाले का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकलेगा और ऊपर वाला ब्लॉक रिलेटिवली पीछे रह जाएगा, बट जाएंगे दोनों आगे ही। तो अब अगर हम इस 10 kg वाले का एबीडी बनाएं, तो 10 kg वाले का एबीडी कैसे बनेगा, 10g यानी 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर, इसका एक्सेलरेशन हमने कितना माना है a1 जो कि कैलकुलेट करना है, इसको ये एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स दे रहा होगा, कौन सा फोर्स दे रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि यहां रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है और रिलेटिव स्लाइडिंग होती तो कौन सा फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स। तो ये कैसे आपको पता चला कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, जब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, वो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे इस फोर्स को देख के, जब आप मेरा फॉर्मूला लगाओगे। अब यहां क्या करना है, आपको लगाना है F is equals to m into a, फोर्स की वैल्यू F के,
इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एफ के क्या होता है म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू गिवन है कितनी 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 100. इज इक्वल्स टू मास, मास है 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ए वन. ए वन ले लेते हैं यहाँ पे. यहां से ए वन की वैल्यू कितनी आएगी 100 इंटू 0.1 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी आएगा 1 m/s². ये निकल गया ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन. अब निकालेंगे नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो मैं कह रहा हूं कि इस वाले एक्सेलरेशन से ज्यादा ही आएगा. उसको निकालते हैं, उसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं. अब इस नीचे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसका अलग से एफबीडी बनाते हैं. 20 kg 200 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन N2. ऊपर का एक नॉर्मल रिएक्शन और लगेगा N1. N1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, ये था 100 न्यूटन. तो 100 और 200 N2 की वैल्यू आएगी यहां से 300. एक फोर्स लग रहा है इधर 50 न्यूटन का. इसकी वजह से इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो उधर लगा. तो इसकी वजह से इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ के. इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं. इसकी वैल्यू होगी म्यू यानी 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कितना था 100. तो ये 0.1 इंटू 100 आप करोगे तो ये आएगा 10. क्या यहां पे कोई काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? यहां कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि सरफेस कैसा है, परफेक्टली स्मूथ है. तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे सीधे सीधे इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए2. लगाएंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 - 10. क्यों भाई, इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो है 50, इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो 10. ये भी लगता तो इसको और इसको जोड़ कर लिखते और यहां से माइनस करते. इज इक्वल्स टू इसका मास कितना है, इसका मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन ए. तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 50 - 10 40 डिवाइडेड बाई 20 यानी 2 m/s². ज्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है, कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है. तो मैं कह ही रहा हूं कि नीचे वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ऊपर वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन कम होगा. इसको सॉल्व करा दें या होमवर्क में दे दें? आप इसको कमेंट में सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे, जल्दी बताओ. सॉल्व कर दें, कर ही देते हैं सॉल्व. आप लोग के भरोसे कोई काम छोड़ना बेकार ही है. देखो इस वाले में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, एफ मैक्स कैलकुलेट करोगे. एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 20 + 5 = 25, 0.2, 0.1, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई जी यानी 10, 3, 25 नहीं 75. फोर्स कितना लग रहा है 100, यानी पक्का है इसमें रिलेटिव स्लाइडिंग होगी. दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा. इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2. सबसे पहले बनाएंगे 5 kg वाले ब्लॉक का FBD. 5G यानी 50 न्यूटन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, यहां लग रहा होगा F के काइनेटिक फ्रिक्शन, उसी से मिलेगा इसको एक्सेलरेशन A1. FK इज इक्वल्स टू M इंटू A. फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला यूज किया है. FK होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज 50 इज इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन A. यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 m/s². ये A1 है. ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकल गया. नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं. नीचे वाले ब्लॉक का एबीडी कैसे बनेगा, 20 kg 20g 200 न्यूटन नीचे, एक यहां नॉर्मल रिएक्शन N2, एक यहां से नॉर्मल रिएक्शन N1. N1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, N1 की वैल्यू है 50 न्यूटन. तो ये आ गया 50 और 200, ये N2 की वैल्यू हो जाएगा 250. उसके बाद यहां से एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, इसने इस पे इधर एफ के दिया तो ये इस पे इधर लगाएगा एफ के. और इसके एफ के की वैल्यू यहां से आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 0.2 इंटू 50, ये कितना आ जाएगा 10. ये आ गया 10 न्यूटन. और एक अब की बार काइनेटिक फ्रिक्शन यहां भी लगेगा क्योंकि यहां भी रफनेस है. यहां कितना होगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इस ग्राउंड वाले सरफेस और 20 केजी वाले ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है वो है 250 न्यूटन का. तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यानी ये एफ के आ जाएगा 25. ठीक है, अब इसमें लगाते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहां लगा रहे हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. फोर्स नेट होगा 100 माइनस ये 10 + 25.
इज इक्वल्स टू नीचे वाले ब्लॉक का मास कितना है 20 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है a2। ये कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 100 माइनस 35 65, 65 इज इक्वल्स टू 20 इंटू a2। यहां से हमें a2 की वैल्यू मिलेगी 65 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व कर लेना, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा जो इससे डिफरेंट है और इससे ज्यादा भी है। 20 दुना 40, 40 से ज्यादा है तो ये वैल्यू भी ज्यादा होगी 2 से। नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो आगे निकल जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा वो पीछे रह जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट में जरूर ये बताना कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया वो समझ में आया। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इससे जो दूसरे केसेस बनते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक के उनको देखेंगे। तब तक चपे रहना।